ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हीरा नायाब, डेंटल सर्जन। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम मुल्तान इन 2015. Then I've done my house job from CMH Lahore in 2016. After that, I've worked as a demonstrator in periodontology department for 14 months. And उसके बाद मैंने एक साल government job की है and now I am doing my own dental practice in Lahore. तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि दांत में कीड़ा लगने की क्या वजूहात होती है, क्यों लगता है दांत में कीड़ा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी हम तो डेली ब्रशिंग करते हैं, डेली फ्लॉस करते हैं, उसके बावजूद भी दांतों में कीड़ा लग जाता है, क्यों? अगर आपका ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, जैसे कि हमारे दाढ़ों के ऊपर वाली सरफेस पे पीछे या दो दांतों के दरमियान में प्रॉपर ब्रशिंग नहीं पहुंच रही है, तो खाने के फूड पार्टिकल थोड़े थोड़े वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से विद पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे कैरीज लग सकती हैं। सो सबसे बड़ी रीज़न है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। उसके अलावा क्या रीज़न हो सकती है? जीरो स्ट्रोमिया, जैसे कुछ लोगों का थूक कम बनता है तो उन लोगों को ये मसला हो सकता है कि उनको कैरीज लग सकती हैं। और इसके अलावा जिन लोगों का ऑर्थो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, तो वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर सकते, उसकी वजह से हो सकता है। या कुछ लोगों में ये होता है कि उनको रात में सोते हुए पता नहीं चलता कि वो अपने दांत ग्राइंड करते हैं, रगड़ते हैं, या टेंशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कैरीज लग सकती हैं। ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से दांतों में कीड़ा लग सकता है। अगर आपने इसका आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हम किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके कंप्लीट इंट्रोल एग्जामिनेशन होता है, जिससे दांतों का मुआयना बोलते हैं, पूरे मुंह का मुआयना होता है। उसके बाद डेंटिस्ट ये इवेलुएट करता है कि दांतों की किस सतह पे जो है वो कैविटी है, कितनी है। उसके बाद क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेशल जिसे प्रोब बोलते हैं, उससे वो डिटेक्ट करते हैं कि सॉफ्ट कैरीज है या हार्ड। सॉफ्ट कैरीज को रिमूव करना मस्ट है। उसके बाद वो प्रेस करके आपके दांत को देखेंगे कि जी टेंडर टू प्रेस है, कि आपको दबाने पे दर्द है, सेंसिटिविटी है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर जिस दांत में कीड़ा लगा है सिर्फ उसी दांत में दर्द है तो वो लोकलाइज्ड पेन होगा। और अगर वो कुछ पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि जी दर्द हमारे कान में जा रहा है, सर में या गर्दन में जा रहा है, वो रेफर्ड पेन होती है। और सबसे अच्छा है जिससे हमें पता लगता है कि कैरीज कितनी है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना, वो है कि हम डेंटल एक्सरेज करके बताते हैं कि भी कितना इवेलुएट करते हैं। अब कुछ मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ जिससे आपको दांत में अगर दर्द है, रात का टाइम है या कोई ऐसा टाइम है कि आप फ़ौरन इमरजेंसी में डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो आप घर में कुछ होम रेमेडीज़ करके फ़ौरन रिलीफ कर सकते हैं, बट ये टेम्प्रेरी रिलीफ होगा। एक तो ये है कि आपने सुना होगा कि क्लोव ऑयल या क्लोव रखते हैं, जिसे लौंग भी बोलते हैं, वो दांत में रख लें तो उससे दांत का दर्द टेम्प्रेरी रिलीफ हो जाता है। उसके अलावा आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं दांतों के ऊपर। और एक सबको पता होगा कि सबसे अच्छी रेमेडी है वो है वार्म सलाइन रिंसेस, यानी कि गर्म पानी में नमक डाल के जब आप उससे अच्छी तरह से रिंस करेंगे तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो भी निकल जाती है और आपको पेन भी रिलीफ होती है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके अलावा आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। अब अगर रात का टाइम है और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है तो एक ये आप काम कर सकते हैं कि आप डबल पिलो रख के सोएं, तकिया ऊंचा करके सोएं, सर ऊंचा करके सोएं। उससे क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन उस तरफ कम जाएगी, कम सर्कुलेशन जाने से आपको कम पेन होगा। जिस दिन आपको दांत में दर्द है आप उस दिन कम खाना खाइए। कम खाना खाने से ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा, उससे सर्कुलेशन कम होगी और उससे आपकी पेन कम होगी। उसके अलावा आप ओवर द काउंटर पेन किलर जैसे कि ब्रूफिन यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थेटिक जेल ओरा बेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल जो नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश होते हैं जैसे कि लिस्ट्रीन, तो उसे 30 to 40 सेकेंड्स वहाँ पे रख के अच्छे से रिंस कर सकते हैं। अब कुछ ट्रीटमेंट प्लान हैं कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट प्लान्स हो सकते हैं इसको ट्रीट करने के। सबसे पहले ये कि अगर कैविटी इतनी ज़्यादा नहीं एक्सटेंड हुई और बिल्कुल स्टार्ट में है तो जो दांतों की पीछे वाली सरफेस होती है जहाँ पर गढ़ा बना हुआ होता है, जो दाढ़े जिन्हें आप बोलते हैं, तो पिट एंड फिशर सीलेंट लग जाता है या फ्लोराइड ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर बिल्कुल स्टार्ट में है कैविटी और फिलिंग नहीं अभी, तो वो स्टार्ट में वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है फिलिंग का। हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती है, एनेमल सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बाद डेंटिन और उसके बाद पल्प। अगर एनेमल से तो अगर पल्प के करीब है तो फिर फिलिंग नहीं हो सकती। कुछ पेशेंट्स कहते हैं आके जी कि हमारी आप फिलिंग कर दें, अगर आप उस कंडीशन में भी फिलिंग करवाएंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन अंदर होने की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, आपको पेन होगी। सो उस कंडीशन में फिलिंग नहीं होती, फिर हम रूट कैनाल की तरफ जाते हैं। सो रूट कैनाल और फिलिंग के दरमियान में एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसे हम पल्प कैप बोलते हैं, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस ये है कि 50-50 होता है कि वो आपका दांत रूट कैनाल की तरफ जाएगा, अगर तो वो बच जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो रूट कैनाल की तरफ ही जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन, अगर बहुत ग्रॉसली केरियस है, नहीं बच सकता, तो फिर एक्सट्रैक्शन इज मस्ट। वंस अ कैविटी स्टार्ट्स इट हैज़ नो टर्निंग बैक। सो इसका प्रोग्नोसिस कैसा है कि कुछ लोगों ने रूट कैनाल करवाने के बाद भी वो कहते हैं कि जो हमारा फॉरन पेन नहीं ठीक हुआ। ये होता है कि रूट कैनाल करवाने के बाद आपकी जो यहाँ बोन होती है उसको हील होने में कुछ वीक से कुछ मंथ्स लग जाते हैं। सो इट्स नॉर्मल कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और सम टाइम जैसा होता है कि रूट कैनाल के बाद भी आपका वो दांत सेव ना हो, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। सो अब इसकी मैं आपको कुछ प्रिवेंशन बताऊंगी, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहले ये है कि आप 2 दफ़ा दिन में ब्रश करें, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को सोने से पहले। जब आप सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं उसके बाद कुछ भी खाने पीने से अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, स्टिकी स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हो गए इनको अवॉइड करें। मस्ट है कि आप हर मील के बाद रिंस कर लें, अगर आप बाहर हैं फ़ौरन ब्रश नहीं कर सकते तो मस्ट है कि आप अच्छे से रिंस कर लें। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें, और वैसे तो नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉशेस आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लिस्ट्रीन, बट सबसे अच्छा बेस्ट माउथ वॉश ये है कि आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उससे आप रिंस करें, वो सबसे बेस्ट माउथ वॉश है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि जी हम अगर कैविटी स्टार्ट होगी तो क्या हम वेट कर लें डेंटिस्ट के पास जाने तक? तो ऐसा नहीं है, आप उसको जितना जल्दी ट्रीट करवा लेंगे वो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे वो उतना पेनफुल और उतना एक्सपेंसिव हो जाएगा ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज़ ओरल हेल्थ इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हेल्थ कंडीशंस? तो येस, अगर आपके मसूड़ों में या आपके दांतों में इन्फेक्शन है तो कुछ ऐसे जरासीम हमारे मसूड़ों से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं जो कि दिल का मसला और बाकी सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर हो सकती है, दिल का मसला हो सकता है, अल्जाइमर्स ब्रेन में इशू कर सकता है। सो ये बहुत सीरियस है कि आप इसको टाइमली ट्रीट करवाएं। सो एज़ यू नो कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज़, कि जितना आप डिले करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट को उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और उतना ज़्यादा इशू होगा। सो आप इसको डिले ना कीजिए, एज सून एज़ पॉसिबल अपना जो भी डेंटल इशूज़ हैं उसको ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ओलाडॉक के थ्रू मुझसे वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और ओलाडॉक के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे क्लिनिक में भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।